नमस्कार, मधुवासी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वे मिसेस इंडिया 2021 रनर अप रही है। गोवा में ये इवेंट हुआ और विवाह के लगभग 21 सालों के बाद उन्होंने अपने आप को गोवा में साबित किया और रैंप पर चहलकदमी करते हुए रनर अप रही। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और वे आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हनीत कौर छाबड़ा जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुवासी के स्टूडियो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं आप, मॉडलिंग में अपना कैरियर भी तलाश रहे हैं, क्राउन आपके चेहरे पर फेस पर है और जब शुरुआत मतलब गोवा में जब आपने रैंप पे चहलकदमी की और जब सिलेक्शन हुआ, क्या मन में था, क्या सोच थी, क्या रहा था कि फर्स्ट या टॉप थ्री में आएंगे, क्या मन में था, क्या चीज़? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार जी। और थैंक यू हेमंत जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और जी हाँ, शादी के 21 साल बाद रैंप पे चहलकदमी ज़रूर की मैंने, और जिस समय रैंप पे चली थी उस समय ये कॉन्फिडेंस था, एक पॉजिटिविटी थी कि क्राउन तो मुझे घर ले जाना ही है जी। तो ये मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, 60 प्रतियोगिताओं में भी मुझे अपने आप को साबित करना है। जैसे मैं आज तक हमेशा अपनी हर फील्ड में अपना 100% देती रही हूँ, वैसे ही मैंने वहाँ पर भी अपना 100% दिया और साबित किया, और उसका प्रमाण आप लोग मेरे सर पे ये ताज देख ही सकते हैं। कई मॉडल्स थे, पूरे देश भर से लोग आए हुए थे, काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी रहे होंगे, उन्हें कई इवेंट्स में कार्य करने का अनुभव रहा होगा और आप काफी लंबे समय बाद इस मॉडलिंग की दुनिया में थे। क्या मन था, कैसा लग रहा था उस समय कि कर पाएंगे या नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन ज़रूर था, टफ भी था, बहुत लोग थे जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे इस फील्ड से। बट जब हम 5 दिन वहाँ रहे, मैंने अपना कंपटीशन स्टडी किया, मैंने अपना एनवायरनमेंट स्टडी किया, मैंने देखा कि कौन किस काबिल है, मुझे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स से सीखा भी है, मैंने अपने क्रिटिक्स से भी सीखा है। ऐसा नहीं है कि सभी ने मुझे वहाँ अप्रिशिएट ही किया, कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं, और मैं हमेशा यही कहूंगी कि मैंने हमेशा एक अच्छे क्रिटिसिज्म को वैल्यू दी है और लाइफ में उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ सीखी हैं, सब चीज़ों में से मैंने रात को बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे मैं विचार भी किया करती थी कि मुझे अब अगला दिन अपना कैसे शुरू करना है, मुझे अपने अंदर से क्या बेस्ट चीज़ और देनी है जो मैं इस कॉम्पिटिशन में 60 प्रतियोगिताओं में अलग से उभर के नजर आऊँ। इस तरह के फैशन शोज की बात करें या इस तरह के इवेंट की बात करें तो केवल ब्यूटी नहीं, ब्रेन भी देखा जाता है, तो ब्यूटी के साथ ब्रेन को लेकर कई कंपटीशन, कई राउंड्स होते हैं। किस तरह के राउंड्स थे, किस तरह के क्वेश्चन आंसर थे, क्या जवाब है? वहाँ पर 3 राउंड्स थे। एक हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था, एक हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था जिसमें मैंने एक इंडियन क्वीन को डिपिक्ट किया था जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक महारानी का रूप था, जिसमें वो जहाँ पर एक प्रेम, एक सुंदरता की मूर्त है, वहीं पर अपने ऊपर आने पर आफत में वो एक हथियार भी उठा सकती है और मशाल भी जला सकती है जी। तो एक भारतीय औरत का ये रूप रहा है हमेशा से हमारी संस्कृति में कि वो सुंदरता की भी एक मूर्ति रही है और हमेशा उन्होंने समय आने पर अपने अंदर की बहादुरी, अपने अंदर के वैलर को भी दिखाया है। चाहे हम अपनी मतलब पूजनीय देवी माताओं को देख लें, या हम अपनी महारानियों को देख लें, या हम रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी को देख लें, तो वो प्रतिभा हर एक औरत में होती है और वो ही मैंने वहाँ डिपिक्ट किया। एक राउंड हमारा जो लास्ट राउंड था, दैट वाज द क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि आपके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस की क्या परिभाषा है, जिसका उत्तर मैंने ये दिया था कि मेरे लिए हैप्पीनेस वो है जब मैं और मेरे आसपास के सारे लोग एक साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हों, खुश हों, समाज में मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेके चल रही हूँ और आगे बढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में मेरा एक बहुत ही अहम मेरी भूमिका हो, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे जो मुझे रिसोर्सेज मिल रही हैं वो मैं लोगों के साथ इक्वली शेयर करूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके इस दुनिया को एक बेटर जगह बना सकूँ रहने के लिए। और सक्सेस मेरे लिए सिर्फ मॉनिटरी अकम्पलिशमेंट्स नहीं है,
मैं मानती हूँ पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ हासिल करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा बैकग्राउंड देने के लिए भी आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन वो पैसा कमाने में अगर मैं किसी एक क्षेत्र में काम कर सकूं जहां मैं लोगों को इतना सक्षम बना सकूं कि वो पैसा कमा सकें और वो सक्सेस हासिल कर सकें, तो उस दिन मेरे लिए सही मायने में हैप्पीनेस और सक्सेस रहेगी। हमें यहां पर अगर आज ये ह्यूमन बॉडी मिली है, हमें अगर ये ह्यूमन सोल मिला है, तो डेफिनेटली हमारा कुछ पर्पस ऑफ लाइफ है। हमें इस दुनिया में और भी किसी भी जीव जंतु के रूप में पैदा किया जा सकता था। अगर मनुष्य रूप मिला है, दिमाग मिला है, तो क्यों ना हम उसे एक दूसरे की भलाई और एक दूसरे की अपब्रिंगिंग में यूज़ करें, बजाय कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे आसपास के समाज में बुराइयां फैलें। तो ये मेरे लिए एक सक्सेस का स्रोत हमेशा रहेगा। और ये सिर्फ एक कहने वाली बात नहीं है, मैं दिल से भी ये चीज़ फील करती हूँ कि जिस दिन मैं ज़िंदगी में किसी दो जिंदगियों को भी सुधार सकूँ, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ का पर्पस सॉल्व होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। और इसी सोच के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कई लोगों की मदद भी हो सकती है, क्योंकि जो सक्षम होते हैं वो किसी का सहारा बने तो एक बहुत बड़ी बात है। क्या मॉडलिंग का शौक आपको बचपन से रहा है, स्कूल टाइम से भी क्या इन गतिविधियों में आप पार्ट लेते रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़े? जी हाँ, मॉडलिंग का शौक मुझे हमेशा से रहा है। मैंने स्कूल टाइम पर भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, इंटर स्कूल, इंटर हाउस, डांस कॉम्पिटिशन, स्टेज कॉम्पिटिशन में हमेशा पार्ट लिया है, और हमेशा मैं अच्छे नंबर्स पे भी, हमेशा एकेडमिकली भी काफ़ी अच्छी रही हूँ, और हमेशा अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, बहुत सारी ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। ये ज़रूर है कि मेरा ये पैशन रहा है, पर पहले मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल अपने करियर बिल्डिंग में लगाए, जो कि मेरा एजुकेशन फील्ड था, जहाँ मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। मैंने MA इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय ग्लोबल करियर काउंसलिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आई हैव टेकन काउंसलिंग सेशंस फॉर ऑलमोस्ट 300 to 400 स्टूडेंट्स अभी तक, जिसमें से मैंने इंदौर के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूलों में, जैसे सत्य साई विद्या विहार, अपना विद्यासागर, इन सब में जाके बच्चों को काउंसलिंग करी है उनके करियर सिलेक्शंस और स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए। मैंने पहले अपने करियर को स्टेबल किया, और अब मैंने ये सोचा है कि हाँ, मैं अपने पैशन के लिए भी अब समय निकाल सकती हूँ, तो मैं अपने पैशन को भी फुलफिल करूँ। क्या बात है, 2021 मौजूद है, मतलब 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं, और 2021 का क्राउन आपके पास है, और 2001 में आपका विवाह संपन्न हुआ था, शादी के 20 साल बाद एक नया अचीवमेंट है। गृहस्थी भी देखना है, मॉडलिंग का कैरियर भी देखना है, और एजुकेशन सेक्टर में आप काम करती रही हैं लगातार, तीनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये बोलते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ एक बहाना है। आपके पास हर वो काबिलियत है, समय है, अगर आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपनी हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया है। मेरा रूटीन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है हमेशा से ही। मेरा मॉर्निंग में वर्कआउट है, मेरा टैलेंट क्लास है, मेरे को डांस का शौक़ है तो मैं उस पर भी ध्यान देती हूँ। उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूशन का टाइम है, जो मेरा 4 to 8:30 तक टाइम रहता है, मैंने वहाँ पर अपने टोटल डिवोशन के साथ अपने इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और गृहस्थी, मेरे बच्चे अब थोड़े स्टेबल हैं, बड़े हैं, जब तक वो उन एक एजुकेशन लाइन में अच्छे से आ गए, उसके बाद ही मैंने अपने करियर को टाइम दिया था। क्या बात है। सो आज मेरा बड़ा बेटा US में सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो एंड ही ऑल्सो अर्नड 100% स्कॉलरशिप। सो डेफिनेटली मैंने पहले बच्चों को एक बेस उनका स्टेबल किया है, और जैसे बाकी बच्चों के लिए किया है वैसे ही अपने बच्चों के लिए भी किया है। हमेशा सेम प्रिंसिपल्स के साथ ही मैं लाइफ में आगे बढ़ी। क्या बात है, 2010 में भी एक अचीवमेंट रहा। हाँ जी, वो क्या था, किस तरह से आगे बढ़ी? 2010 में मैंने मिसेज इंदौर का खिताब जीता था, जो कि लायंस क्लब ऑफ इंदौर की तरफ से ऑर्गेनाइज था। उसमें भी हमारे डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर MP डिस्ट्रिक्ट की कंटेस्टेंट्स थी, तब मैंने वो खिताब जीता था। वो वही बात है कि पैशन हमेशा से था, और जब जब मुझे मौका मिला अपने पैशन को एक साकार रूप देने का, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ा है। अरे वेट, सामाजिक सरोकार में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता था, समाज में भी इन्वॉल्वमेंट रहता था, प्रेसिडेंट रही आप यूथ जो क्लब हुआ, किस तरह से वहाँ गतिविधियाँ होती थी, किस तरह से क्लब में आप काम करते थे? मैं पंजाबी महिला विकास समिति के जूनियर क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। क्या वहाँ पर हम सारे ही कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सारे अलग अलग गतिविधियाँ ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें से करवा चौथ हमारा मेन इवेंट रहता था, जो कि पूरे इंदौर में फेमस रहा है हमेशा से।
और उसके अलावा हम इसमें चैरिटी भी करते थे, सोशल वर्क करते थे, हमने बहुत सारे अनाथ बच्चों की फीस भरी है ताकि वो एजुकेशन कर पाएं, हमने बहुत सारे लड़कियों की विवाह करवाए हैं, उनके लिए सामान इकट्ठा करके हमने अपने क्लब की तरफ से जाकर उनके विवाह संपन्न करवाए हैं। उसके बाद हमने अपने समाज के बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग लोग थे जिनको हमको हेल्प करना था गुरुद्वारों में जाकर, और भी जैसे किसी को सिलाई मशीन देना, किसी के आँख का ऑपरेशन करवाना, किसी को ईयर मशीन डोनेट करवाना, हमने ये सब कार्य भी किए हैं। तो हमारा वो क्लब बहुत एक्टिव रहा है, हमने पार्टी भी करी है, हमने सोशल वर्क भी किया है, हमने लर्निंग लेसन्स भी उसमें किए हैं, जैसे कुकिंग कंपटीशन हुआ, ब्यूटी कंपटीशन हुआ, तो हमने ऑलमोस्ट ये कोशिश करी कि अगर एक लेडी 2 घंटे के लिए घर से बाहर आ रही है तो वो हमारे से वो सब कुछ सीख सके, हम उसे एक मल्टी टास्कर, एक ऑलराउंडर बना सके। क्या बात है, करियर के रूप में आपने एजुकेशन सेक्टर को चुना, हाँ जी, और पैशन के रूप में मॉडलिंग को, हाँ जी, दोनों को किस तरह से लेके आगे बढ़ेंगे, क्या लक्ष्य है अपना आगे? देखिए मेरा लक्ष्य काफ़ी, मैं कह सकती हूँ, बहुत क्लियर है अभी तक तो, और फोकस बहुत क्लियर है कि मेरा आगे ये सपना है कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकूँ हमारे आसपास के छोटे शहर के बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बस सिर्फ उन्हें एक्सपोजर की कमी है। तो अगर आज मैं इस फील्ड में अपना नाम बना पाई एक इन्फ्लुएंसर की तरह, क्योंकि आप जब एक पब्लिक इमेज बन जाते हो तो लोग आपसे, आपकी चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो अगर मैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट आगे जाके खोल पाई जहाँ पर मैं उनको इमेज कंसल्टेंसी से रिलेटेड, उनको किस तरीके से अपने आप को स्टेज पे प्रेजेंट करना है, उनको किस तरीके से रैंप को कवर करना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग मैं उन्हें दे पाऊँ, आगे उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जाना है तो उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, और हर चीज़ में मैं उनको अगर ग्रूम कर सकूँ, वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकूँ, तो मैं ये समझूंगी कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक पहला पड़ाव है अपने सपने की तरफ। बिल्कुल, आप एक वर्किंग वुमन भी हैं और शादी के 21 सालों बाद एक बड़ा अचीवमेंट है, गोवा से आप ताज लेकर आई हैं, तो इंदौर आने के बाद किस तरह के रिएक्शंस आपको सुनने को मिले, किस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं थी? इंदौर आने के बाद सबकी प्रतिक्रियाएं, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, सभी बहुत खुश थे और बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे, और मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे स्पेशली घर मिलने आए, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, सब बहुत खुश थे, सब ने, जब आपको कोई ये लाइन बोलता है कि आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्या बात है, तो वो चीज़ आपको फील होती है कि यस, आपने कुछ मुकाम हासिल किया। तो डेफिनेटली बिग रिव्यूज थे, ये तो नहीं होगा कि सभी लोग खुश होंगे, बट जो खुश नहीं है मैं उनका और तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आज वो हैं तो शायद मैं आज यहाँ हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कभी कभी ये होता है कि जब लोग पीछे खींचने का प्रयास करते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके प्लस में काउंट होती है। मॉडलिंग के साथ साथ लोग फिल्मों में, विज्ञापन में, वेब सीरीज में, इसमें अपना एक करियर ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, क्या मॉडलिंग के साथ साथ आप इस और भी अपना कदम रखेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उन्हें डेफिनेटली मैं ग्रैब करना चाहूँगी और अपना नाम इस इंडस्ट्री में बनाना चाहूँगी। तो मैं इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आइकन अमिताभ सर को मानती हूँ, तो जब वो इस उम्र में भी ऐसा काम करते हैं जो हमारे दिलों को छू जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई उम्र, कोई मैरिटल स्टेटस, ये सब चीज़ें कभी भी आपके रास्ते का बाधा नहीं बन सकती, आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़ेंगे। बिल्कुल, टैलेंट कहीं भी हो छुपता नहीं छुपता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही है, निखरता ही है। यदि बात करें हम लोग आज के दौर की, जब हम इंस्टाग्राम के दौर में हैं, फेसबुक के दौर में हैं, और भी कई ऐसे टैलेंट हैं जो वहाँ से बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, क्या हम लोग आपकी बात करें तो क्या आप इंस्टाग्राम या इन पर कोई सक्रियता बरकरार? हाँ जी, मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ जी, और डेफिनेटली अब अगर ये ताज मुझे मिला है तो इसके साथ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बढ़ गई है। ये ताज सिर्फ एक ज्वेलरी का आइटम नहीं है, मैं ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समाज में मुझे आगे लेकर जानी है। तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना, सोशल प्रोफाइल में एक्टिव होना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छी चीज़ों के लिए, अगर मुझसे कोई इंसान प्रेरित हो रहा है तो डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया को इसका श्रेय देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमको बहुत ज़्यादा लोगों से जोड़ दिया है जी, तो मैं उसका पूरी तरीके से यूज़ करना चाहूँगी, और जहाँ मैं थोड़ा बहुत भी लैग हो रही हूँ वहाँ पर मैं चीज़ें नहीं सीखना चाहूँगी। आई ऑलवेज वेलकम न्यू थिंग्स। क्या बात है, आप बिल्कुल 100% एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने हैं, क्योंकि
एक एजुकेशन सेक्टर में हैं आप, लगातार बच्चों को पढ़ाती रही हैं, गृहिणी के रूप में भी आप काम कर रही हैं और साथ ही मॉडलिंग में भी अपने आप को आपने साबित किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गृहिणियाँ भी हैं, वर्किंग वुमेन भी है और मॉडलिंग में भी कहीं ना कहीं उनका मन है या करियर ढूंढती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे लोगों को और हर औरत को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एज सिर्फ एक नंबर है। आपका दिल जो करना चाहे, जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जहां आपको खुशी मिले, उस कदम को उठाने से कभी भी मत घबराइए। एक ज़रा सी हिम्मत लगती है, सब कुछ आसान हो जाता है अगर आप अपने समय, अपने नियम, अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने हार्ड वर्क और अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेशन होना किसी भी फील्ड में बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटर्मिंड हैं कि आप मॉडलिंग के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं तो बिल्कुल कदम बढ़ाइए। दुनिया में बहुत काम है, बहुत लोगों की ज़रूरत है इस ज़माने को, इस संसार को, इस हमारी सोसाइटी को, तो हर एक टैलेंट मायने रखता है। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वुमेन ऑफ आर कंट्री टू जस्ट कम आउट, स्टेप आउट, टेक दैट वन स्टेप। वो एक स्टेप लेना ही सिर्फ हमें ज़रूरी होता है, उसके आगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि केवल अपने ऊपर विश्वास रखिए और लगातार स्टेप बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, तो हर मंजिल आपके कदम चूमेगी। कहीं ना कहीं ये 2021 मिसेस इंडिया का कहना है। और हरमीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंदौर के मृदुभाषी कार्यक्रम में स्थान दिया, समय दिया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।